कनाडा के सेंट जोन पोर्ट से 17 जून 2023 को ओशन गेट कंपनी की सबमरीन टाइटन के जरिए 5 लोग टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने का अपना सफर शुरू करते हैं, जो उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाता है। 15 अप्रैल 1912 को डूबे टाइटैनिक शिप का मलबा सेंट जोन पोर्ट से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के नीचे 4225 मीटर की गहराई में है। प्लान के मुताबिक इन 5 अरबपतियों ने 700 किलोमीटर के इस सफर को ओशन गेट कंपनी के रिसर्च मदरशिप पोलर प्रिंस में किया और दूसरे दिन 18 जून 2023 को ठीक दोपहर 12 बजे टाइटैनिक जहाज के मलबे के बिल्कुल ऊपर पहुंच के ओशन गेट कंपनी की एविएशन ग्रेडेड कार्बन फाइबर मटेरियल से बनी सबमरीन टाइटन में गोता लगाया। पानी के अंदर के इस 7 घंटे के सफर की एक टिकट की कीमत 2.5 लाख US डॉलर यानी कि 2 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर थी। हैरानी की बात तो ये थी कि इस सफर के शुरू होने के पहले से ही इस टाइटन सबमरीन में एक दिक्कत देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो इस सफर को रोका नहीं गया और 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सफर में जो जानी मानी हस्तियां शामिल थी उनमें से 2 हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान दाऊद थे। तीसरे शख्स थे एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डिंग, जो इससे पहले जेफ बेजोस के साथ स्पेस में ट्रेवल कर चुके थे। चौथे आदमी थे 77 वर्षीय पॉल हेनरी, जो टाइटैनिक जहाज के मलबे की काफी नॉलेज रखते थे और कई बार पहले भी टाइटैनिक तक जाने वाले सफर में शामिल हो चुके थे। पांचवें और सबसे महत्वपूर्ण इंसान थे ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, जो इस सबमरीन को एक जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल कर रहे थे। जहाँ इन्होंने डाइव किया था वहाँ ओशन की कंडीशन इतनी चुनौतीपूर्ण होती है कि 1912 से डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा 1985 में मिल पाया। टाइटैनिक शिप अपने साथ इतने सवाल लेके डूबी थी कि उनके जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया बेताब बैठी थी, इसलिए दर्जनों एक्सपर्टीज अरेंज किए गए जिनमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर शामिल थे। इन्हीं वजह से कैनेडियन फिल्म मेकर ने 1995 में टाइटैनिक शिप के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 तक टाइटैनिक मूवी बना के रिलीज कर डाली। ये ऑस्कर विनिंग मूवी इतनी सुपर डुपर हिट हुई के टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने का ख्वाब दुनिया भर के करोड़ों लोग देखने लगे, जिस वजह से ये मलबा ओशियन टूरिज्म का एक हब बन गया। साइंटिस्टों की माने तो ओशन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से ज्यादा मुश्किल है, जिसका सबसे बड़ा कारण है पानी का प्रेशर, क्योंकि जैसे जैसे पानी की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे पानी का प्रेशर भी बढ़ता जाता है। जिस गहराई में टाइटैनिक का मलबा अभी मौजूद है वहाँ प्रेशर 6000 PSI के करीब है। ये इतना प्रेशर है जितना एक हाथी का पूरा वेट इंसानी उंगली के सिर्फ 1 square inch के ऊपर डालने पर महसूस होगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 22 फीट लंबी इस सबमरीन पर कितना प्रेशर टाइटैनिक जहाज के करीब जाने पर पड़ता होगा। जैसे ही 18 जून 2023 को इस सबमरीन ने समुन्द्र में गोता लगाया तो नॉर्मली टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन डाइव के 1 घंटे 45 मिनट बाद सबमरीन का संपर्क ऊपर खड़े पोलर प्रिंस शिप से टूट गया। लेकिन मदरशिप पोलर प्रिंस पे मौजूद क्रू ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि 1 घंटे 45 मिनट बाद सबमरीन उस गहराई में पहुंच चुकी होगी जहां वायरलेस सिग्नल टूटना आम बात है। 7 घंटे के इस ट्रिप के खत्म होने की उम्मीद शाम 7 बजे की थी, लेकिन जब शाम के 7 बजने के बाद भी सबमरीन से कोई संपर्क नहीं हो पाया और ना ही वो ऊपर आई तो मदरशिप पोलर प्रिंस के क्रू के पसीने छूटने लगे, जिसके बाद उन्होंने सबमरीन की तलाश शुरू कर दी। 2 घंटे 40 मिनट की तलाश के बाद भी जब उनको सबमरीन का नामो निशान नहीं मिला तो ठीक 9:40 पे उन्होंने US कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। फिर अगले दिन सोमवार को US और कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स ने पूरे एरिया में सर्च अभियान शुरू कर दिया। वो ना सिर्फ ओशन की सतह पर टाइटन सबमरीन की तलाश कर रहे थे बल्कि पानी के अंदर भी सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके तलाश कर रहे थे। उस एरिया से गुजर रहे सभी कमर्शियल शिप्स को भी ये कह दिया गया था कि अपनी यात्रा के दौरान वो
पानी की सतह पर ध्यान केंद्रित करते हुए चले। अगले 48 घंटे तक ये तलाश जारी रही, लेकिन टाइटन का कोई पता नहीं चल पा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था तो टाइटन में सवार लोगों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी, क्योंकि टाइटन में सिर्फ 4 दिन की ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी और बुधवार तक 3 दिन बीत चुके थे। लेकिन US, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम्स हार मानने को तैयार नहीं थी। वीरवार 22 जून 2023 को ठीक दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया तो वहां का मंजर देख के वे दंग रह गए, क्योंकि जब 3:48 पर ROVs टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास पहुंची तो उनको जहाज के मलबे से सिर्फ 1600 फीट दूर टाइटन सबमरीन की पूंछ का हिस्सा पड़ा दिखाई दिया। जो सबमरीन टाइटैनिक के मलबे को दिखाने गई थी वो खुद उसी जगह पर मलबे में तब्दील हो चुकी थी, जिससे ये तो साफ हो गया था कि जब सबमरीन का कॉन्टेक्ट अपने मदरशिप पोलर प्रिंस से टूटा था, ये तभी भारी प्रेशर की वजह से पिचक गई थी। जैसे ही ये बात पूरी दुनिया तक पहुंची तो सबका दिल बैठ गया और सबके दिमाग में यही चलने लगा कि ओशन गेट कंपनी ने इस सफर के दौरान चूक कहां की थी। अब सभी लोग ओशन गेट की सेफ्टी पर सवाल उठाने लगे थे। ओशन गेट के CEO जो इस सबमरीन को खुद ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने 2021 में बताया था कि हमने इस सबमरीन को बनाते वक्त ओशन एक्सप्लोरेशन के कुछ रूल्स तोड़े हैं। उन्होंने टाइटन को स्टील की जगह एविएशन ग्रेडेड कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करके बनाया है, जिसको वो रेवोल्यूशनरी बदलाव समझते हैं। इसलिए जब इस सबमरीन को पहली बार समुन्द्र में उतारा जाना था तो इसको 10,000 PSI प्रेशर पे टेस्ट किया गया था, जो टाइटैनिक जहाज के मलबे वाली जगह के प्रेशर से 4,000 PSI ज्यादा था। इसलिए हो सकता कि डाइव के दौरान अंधेरे की वजह से सबमरीन किसी चट्टान से टकराई हो या फिर कोई बड़ा जीव इसके साथ टकराया हो, जिसकी वजह से सबमरीन का ढांचा कमजोर हो गया हो और वो इतना प्रेशर झेल नहीं पाया हो। इतना तो साफ है कि इस दुर्घटना की एक वजह इसको बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल था और दूसरी वजह थी इसमें पहले से क्रैक्स का होना। 2019 में टाइटन सबमरीन कार्ल स्टैनली नामक बिजनेसमैन को टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के एक सफर पर लेके गई थी, तब भी इसको ओशन गेट कंपनी के CEO ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल स्टैनली ने बताया कि उस सफर के दौरान जैसे जैसे हम समुन्द्र की गहराई में जा रहे थे तो सबमरीन की बॉडी में क्रैक्स पड़ने की आवाज आ रही थी, लेकिन उस वक्त किसी ने भी उन क्रैक्स पे ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये सबमरीन काफी कमजोर हो चुकी थी और पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाई। 2018 में ओशन गेट कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने भी इस कार्बन फाइबर ढांचे के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि जब ये सबमरीन प्रेशर की वजह से पिचकने वाली होगी तो उससे सिर्फ 3 मिलीसेकंड पहले पता चलेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि जैसे ही ये सबमरीन 3 मिलीसेकंड में पिचक के फटी होगी तो उसमें मौजूद सभी लोगों की बॉडी पर इतने कम समय में हर 1 इंच पर 6,000 PSI का प्रेशर पड़ा होगा, जिसकी वजह से उनको पता भी नहीं चला होगा कि कब उनकी मौत हो गई और उनकी डेड बॉडी का कोई अवशेष नहीं बचा होगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।